लक्सर सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरें विस्तार से। लक्सर की कवेंडिश टायर फैक्ट्री प्रबंधन और फैक्ट्री के कर्मचारियों का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन ने कर्मचारियों की 70% सैलरी काट कर दी है, जिससे कर्मचारी आक्रोश में है। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते कवेंडिश टायर फैक्ट्री भी बंद थी, जिसके चलते फैक्ट्री को लॉस में दिखाकर फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों की सैलरी का 70% काटकर 30% ही कर्मचारियों के खाते में भेजी है, जिससे कर्मचारी गुस्से में है। सोमवार को भी कर्मचारियों ने इसी बात को लेकर फैक्ट्री गेट पर हंगामा किया था। मंगलवार को फैक्ट्री के कर्मचारियों ने लक्सर एसडीएम से मुलाकात कर अपना दर्द बताया, जिस पर एसडीएम ने तुरंत कार्यवाही करते हुए फैक्ट्री प्रबंधन को अपने यहां बुला लिया और इस बारे में उनके साथ मीटिंग। उनकी कंपनी अभी हालात में नहीं है सैलरी देने के, आपाति देखते हुए कोरोना जो भी लॉकडाउन देखते हुए कंपनी स्थिति में नहीं है सैलरी कम देने के लिए, तो हमें घर भेजने के लिए व्यवस्था किया जाए, क्या आपत्ति है। कल हम लोग मैनेजमेंट से बात किए, मैनेजमेंट ने बोला कि हम आपका घर है कंपनी, हम घर भी नहीं भेज सकते हैं। हम कल दिनांक 11/5/2020 को प्रबंधन द्वारा श्रमिकों की सैलरी काट करके और उनका लगभग पूरी सैलरी का अगर एवरेज निकाला जाए तो 70-80% सैलरी काट दी गई। अगर पूरे मंथ का श्रमिकों का एवरेज निकाला जाए तो उससे उसका गुजारा नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी सैलरी आई है उतने में तो रूम का रेट ही दे सकता है, खाने पीने का उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। उसके लिए कर्मिकों ने अपना विरोध प्रदर्शन वहाँ फैक्ट्री गेट पर किया, तो कल कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में एक वार्ता हुई कि चलो कल एसडीएम साहब के सामने 11 बजे वार्ता होगी, लेकिन अभी तक प्रबंधक यहाँ पर नहीं आया एसडीएम साहब के पास। हम उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि एसडीएम साहब के सामने क्या वार्ता होती है, अगर कोई सकारात्मक रूप से बात होती है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगला निर्णय इस मीटिंग के बाद श्रमिक लेंगे। मजदूरों की कल सैलरी काट ली गई और एक नोटिस लगा दिया जो मीटिंग करने के बाद वर्क यूनियनों के साथ, लेकिन यूनियनों को विश्वास में ना लिया गया ना उनकी सहमति के बिना, और बेसिक एचआर डीए का 50% काट लिया कंपनी ने, जो लगभग मेरे हिसाब से वर्करों की 70% सैलरी काट लिया प्रबंधन ने। आज उसी को लेकर हम श्रमिक संगठन एसडीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब ने प्रबंधन वालों को भी बुलाया, लेकिन यहाँ पे वार्ता कोई अच्छी नहीं रही। प्रबंधन का तो ढुलमुल रवैया था, उन्होंने तो अपनी सैलरी का 10% अनुदान भी नहीं काटा और हमारी वर्कर की सैलरी का 70% काट लिया। प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना कि हम तो नियम अनुरूप ही अभी हम जानकारी लेंगे, ये करेंगे, प्रशासन का कोई रवैया अच्छा नहीं रहा, लेकिन हमने प्रशासन को बोल दिया कि अगर हमें संघर्ष करना है तो हम वर्कर के लिए संघर्ष करेंगे, संगठन बना रखा है वर्करों के लिए, तो हम पूरा संगठन करेंगे, हम ऊपर तक जाएंगे और डीएम चांद के लेबर विभाग में श्रम मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास, हम प्रधानमंत्री पीएमओ तक भी जाएंगे, और अगर तब भी हमारा काम नहीं चलेगा तो हम रोड पर बैठेंगे, डिस्टेंस बनाकर, दूरी बनाकर, नियमों का सरकार के पालन करके, लेकिन हम अपने संघर्ष करेंगे और अपनी सैलरी कटी को वापस लेंगे। जो कर्मचारी वर्ग है उनका ये कहना है कि माह जो मंथ अप्रैल की जो सैलरी है 50% के द्वारा ड्रॉ की जा रही है, जबकि उसका पूर्ण भुगतान होना चाहिए। जबकि जेके डायर का ये कहना है कि दैट टाइम में प्लांट पूरा बंद रहा और 50% सैलरी दी जाने का प्रावधान है और रूल्स में भी ऐसा प्रावधान है, इसको लेकर शव इंस्पेक्टर को भी बुलवाया गया था और दोनों पक्षों की जो भी मांगे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट से इसमें कोई ना कोई जायज आने हैं, जो भी डिमांड्स हैं उसको टोटल उसकी रिपोर्टिंग डीएम साहब को की जाएगी, वहाँ से जैसे भी निर्देश आते हैं।